बागपत के असारा गांव में ससुराल में आए दामाद का शव गांव के बाहर पड़ा हुआ मिला है। मृतक के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। बताया जा रहा है कि एक साल पहले ही युवक ने असारा गांव की लड़की से लव मैरिज किया था। कल वह ससुराल आया था, जिसका शव आज गांव के बाहर पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव का है, जहां मुजफ्फरनगर जनपद के परासोली गांव निवासी 9 साल पुत्र रियाज ने रमाले थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि मेरे भाई नई उर्प लक्की की शादी 1.5 वर्ष पहले रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव निवासी रोजू की पुत्री नगमा से हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, जिसका पता परिजनों को बाद में चला। इसी बात को लेकर नगमा के घर वाले नाराज थे। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को करीब 2 बजे दोपहर नई उर्प लक्की के पास उसके ससुर रोजुद्दीन ने फोन कर अपने गांव असारा बुलाया था, जिस पर नईम उर्फ लक्की अपनी पत्नी नगमा को साथ लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। 16 फरवरी को 3 बजे सूचना मिली कि तुम्हारा भाई नईम उर्फ लक्की असारा गांव के निकट नहर पर मृत हालत में पड़ा है। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि नईम उर्फ लक्की मृत अवस्था में पड़ा था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। परासोली का लड़का रहने वाला है, नईम लक्की नाम है, उसको घर पे बुलाया गया, उसकी वहाँ से वारदात करी, उसको मार दिया गया असारा गांव में, रब जाए पे मार के घेर दिया सास ससुरालियों ने। ये नहीं पता क्या करा, हमको बुलाए गए, हम परिवार के तीनों भाई पहुँचे वहाँ, हमने वारदात देखी, हमने पूछा हमारा भाई कहाँ है, सास ससुराली है, उसको हमारे आगे से छोड़ के भाग गए मार के। हम फिर उठा के हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब हम जा लिए तो हमें डॉक्टर ने बताया तुम मरा हुआ लड़का लिए घूम रहे हो, अरे सास भी भागी हमारे दौरे से, ससुर भी भागा, बहू भी भागी, उसका भाई भी भागा, 4 आदमी मौजूद थे वहाँ पे जब हमें फ़ोन करके बुलाए।